हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है शिवम गुप्ता। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। आज की वीडियो हम समझेंगे वाइब्रेशन के कॉन्सेप्ट को, डैम्पिंग वाइब्रेशन, उसमें क्या क्या गलतियाँ जो है बच्चों से हो जाती हैं, या फिर जो कॉन्सेप्ट जो हैं वो गेट में कौन से सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट जाते हैं, उनके बारे में आज थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूँ, जो जनरल एक वाइब्रेशन एक जो डैम्पिंग इक्वेशन होती है, एक्स डबल डॉट प्लस 2 साई टैन डॉट प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है और अंडर डैम्पिंग कंडीशन में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इस साई की वैल्यू क्या होगी? साई की क्या वैल्यू होगी? साई इज लेस देन 1। क्या आपको समझ में आती है? साई इज लेस देन आपको समझ में आता है? ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर अंडर डैम्पिंग कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर एम्पलीट्यूड को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी आपकी इक्वेशन, एम्पलीट्यूड क्या आती है? दैट इज कमिंग एज एक्स इज इक्वल टू काय टू द पावर माइनस डाई ओमेगा एन मल्टीपल साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस वाई। करेक्ट, क्या समझ में आती है आपको? ओमेगा डी क्या है यहाँ पर? डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, तो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पर आपकी ओमेगा डी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। अगर ओमेगा डी की बात करूँ मैं, ये क्या होगा? रूट 1 माइनस साई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, कि क्वेश्चन में आपको कई बार पूछा होता है या गिवन होता है कि डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी बताइए, या डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी पूछी होती है आपसे, तो वहां आपको याद रखना है कि सिर्फ ओमेगा एन निकाल कर डायरेक्ट ऑप्शन में देखकर बताना है। ओमेगा एन के साथ अंडर रूट माइनस स्क्वायर भी आएगा। ये सिली मिस्टेक है, आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद गलती हो जाती है, इसलिए मैं आपको इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि अंडर रूट माइनस स्क्वायर ओमेगा एन इज कॉल्ड एज डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। और इस डैम्पिंग वर्ड को थोड़ा सा फोकस करें, अगर एग्जाम में दिख रहा है तो इसको हाईलाइट कर लें। अब मैं बात करूँ सिमिलरली, अगर आप टाइप टाइम की बात करेंगे, तो नॉर्मल टाइम पीरियड जो अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ अपन टाइम पीरियड निकालते हैं, तो क्या आता है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर आपकी ओमेगा ओमेगा एन है, तो टाइम पीरियड क्या आएगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा। करेक्ट। लेकिन अगर डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो डैम्प्ड टाइम पीरियड क्या आएगा आपका? टी डी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हैं हम, ये तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। अगर हम एफ की बात करें, दिस ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो उसको भी सिमिलरली यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर एफ डी लिखेंगे तो ओमेगा डी अपॉन पाई डी ओमेगा डी अपॉन 2 पाई अपन लिख देंगे। डी इज इक्वल टू डी अपॉन, वेरी सिंपल थिंग्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। अब आप एक चीज नोटिस करिए यहाँ पर, कि जो आपकी इक्वेशन ये है, कि जो इक्वेशन है, कर देता हूँ इस इक्वेशन का, वो क्या क्या समझ में आता है आपको? क्या चीज आप समझ सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू काय ई टू द पावर काय ई टू द पावर साई ओमेगा एन, का मतलब कि जो आपका एम्पलीट्यूड है काय ई टू द पावर साई ओमेगा एन टी, वो टाइम पे डिपेंडेंट है, एम्पलीट्यूड इसका जो है वो कांस्टेंट नहीं है। और आप देखिए ई टू द पावर माइनस टी है, जो टी की वैल्यू है वो उसके साथ नेगेटिव है, इसका मतलब कि टाइम इंक्रीज करेंगे तो आपका एम्पलीट्यूड जो है वो रिड्यूस होगा। वेन एवर यू विल इंक्रीज द टाइम, एम्पलीट्यूड को एक बार अच्छे से नीचे इक्वेशन में लिख के देखते हैं क्या वेरिएशन एम्पलीट्यूड के अंदर हमको दिख सकते हैं। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू काय ई टू द पावर माइनस साय ओमेगा एन, ठीक है ना? यहाँ पर ओमेगा एन है, अंदर ओमेगा डी था, इन चीज़ों को ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ों को। अब यहाँ टाइम की जो बात है, मान लीजिए कि टाइम इंक्रीज हो रहा है आपका, टाइम ऑब्वियसली जब प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो टाइम के इंक्रीज होने के साथ, प्रोसेस के चलने के साथ, आपका एम्पलीट्यूड आपका ई टू द पावर माइनस साय ओमेगा एन टी डी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ई टू द पावर माइनस साय ओमेगा एन तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? विल बी रिड्यूसिंग बिकॉज पावर इज नेगेटिव। और अगर आपका ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा एन टी रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी आपका टाइम के साथ रिड्यूस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी, समझ में आनी चाहिए कि डैम्पिंग डैम्पिंग का मतलब क्या होता है। डैम्पिंग में आपका एम्पलीट्यूड जो है वो रिड्यूस होगा, डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड आपका रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि विस्कस इफेक्ट्स इसमें आ रहे हैं, जो आपका सी वाला फैक्टर है ना। कौन सा सी वाला फैक्टर? अगर मैं इक्वेशन की बात कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे जाऊँ आपका आपकी, तो यहाँ पर जो आपका जाई है, व्हाट इज जाई? 2
जाय ओमेगा एन इज इक्वल टू सी बाई एम, इस तरह से लिखते हैं आप। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस डैम्पिंग जो होता है वो होता है आपका सी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस डैम्पिंग सी होता है आपका। तो वो सी जो है, जो आपका विस्कस उसमें इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उस चीज की वजह से आपका एम्पलीट्यूड यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। ये चीज आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब एम्पलीट्यूड आपका रिड्यूस होगा, तो इसके बाद आपके यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका आता है वो आता है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट कैसे, कि एम्पलीट्यूड आपने बोल दिया कि रिड्यूस हो रहा है। इनिशियली एम्पलीट्यूड मान लीजिए एक्स नॉट कितना था, टी इज इक्वल टू जीरो पे अगर मैं बात करूं तो एम्पलीट्यूड कितना था, यहाँ पे इक्वेशन में टी इज इक्वल टू जीरो रख के देखिए क्या आएगा, एक्स इटू पावर माइनस जाय ओमेगा एन टी। अब इनिशियली मैं मान लेता हूँ एक्स नॉट था ये, तो इनिशियली एम्पलीट्यूड टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या आ गया, एक्स नॉट। एक्स वन की बात करूं मैं, या इसको मैं लिख दे रहा हूँ काई काई नॉट, ठीक है ना। और एक्स वन की बात करूँ तो क्या आएगा मेरा, एक्स नॉट ई टू द पावर माइनस जाय ओमेगा एन टी डी। टी डी क्या मान लिया मैंने, एक टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। सेकंड एक्स टू की बात करूं तो क्या आएगा, एक्स नॉट ई टू द पावर माइनस जाय ओमेगा एन टू टी डी, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है दैट एक्स नॉट इज ग्रेटर देन एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू, एंड सिमिलरली प्रोसेस आगे बढ़ेगी सेम फॉर्मेट में, ठीक है ना। अब एक्स नॉट बाई एक्स वन की बात करें, नॉट बाई एक्स वन, या फिर अपन बात करें एक्स वन बाई एक्स टू, या फिर बात करें एक्स टू बाई एक्स थ्री, क्या ये सेम होंगे नहीं होंगे, करके देखिए एक बार। एक्स नॉट बाई एक्स वन क्या आएगा, जायो मेगा एन टी। एक्स वन बाई एक्स टू क्या आएगा, इटू दावर जायो मेगा एन टी। तो ये चीज हमको समझ में आ रही है कि ये डिक्रीमेंट जो है ये कॉन्स्टेंट है, इटू दावर जाय ओमेगा एन टी। यहाँ देखिए टी डी, यहाँ तीनों चीज कॉन्स्टेंट है, और टी डी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ओमेगा एन कॉन्स्टेंट और जाय कॉन्स्टेंट। तो हर साइकिल में आपका जो रेशियो ऑफ डिक्रीमेंट है ना, दैट इज कॉन्स्टेंट, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। अब इसको e टू दी पावर के फॉर्मेट में लिखने की बजाय हम डायरेक्टली जाय ओमेगा एन टी डी के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो उसका हम बोल देते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो क्या बोल देंगे हम, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। किस चीज को, ln ऑफ, अगर मैं इसको यहां पर अल्फा लिख रहा हूं, ln, तो ln ऑफ अल्फा की मैं बात कर रहा हूं, ln ऑफ अल्फा क्या रहेगा मेरा, जाय ओमेगा एन, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा इज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, इज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ये समझ में आ रही है। डेल्टा इज इक्वल टू साय गैन, ये चीज समझ में आनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे। अब मैं बात करूँ ओमेगा एन और टी डी की, टी डी क्या लिख रहा था मैं, टी डी क्या लिख रहा था मैं, टू पाई अपॉन ओमेगा डी, टू पाई अपॉन ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या लिख रहा था मैं, जाय ओमेगा एन बाय ओमेगा डी, क्या लिखा था मैंने, अंडर रूट वन माइनस जाय स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस जाय स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका, सही ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा की वैल्यू क्या आई आपकी, डेल्टा देखिए टू पाई जाय, टू पाई जाय अपॉन अंडर रूट वन माइनस, क्या ये चीज समझ में आती है, क्या ये चीज तो आपको याद करना है, समझ में भी आ गया आपको। अगर आप भूल भी जाएं तो आप समझ सकते हैं कि कैसे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का क्या मतलब है। डिक्रीमेंट का रेशो नहीं है, डिक्रीमेंट के रेशो का लॉग है ये चीज आपको समझ में, ठीक है सर, क्या आपको क्लियर है ये बातें, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इट क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज की बात कर लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, कि जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस डैम्पिंग की बात कर रहे थे अपन, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस डैम्पिंग की हम जो बात कर रहे थे, तो हम सी से डिनोट कर रहे थे। अगर हम एक ऐसे केस की बात करें जहां पर जाय इज इक्वल टू वन है, डैम्पिंग फैक्टर जाय हम जिसको बोलते हैं, डैम्पिंग फैक्टर आपका अगर वन है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस डैम्पिंग CC को हम लिखेंगे, C को लिखेंगे हम CC, और CC को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस डैम्पिंग, ठीक है, क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट, क्रिटिकल डैम्पिंग C, हम क्या बोल रहे हैं, देखो C और Z में डिफरेंस करना आना चाहिए आपको, C इज डैम्पिंग कोएफिशिएंट और ये आपका डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग कोएफिशिएंट और डैम्पिंग फैक्टर में कन्फ्यूजन ही होना है आपस में,
तो सी सी क्या हो जाएगा जब जाई इज इक्वल टू वन है। तो अगर हम मैं बात करूं सी बाय एम इक्वल टू टू जाई ओमेगा एन, सबको पता होनी चाहिए बाय एम इज इक्वल टू टू जाई ओमेगा एन। इसके बाद सी सी बाई एम, अगर मैं लिखता हूँ सी सी बाई एम, अगर सेम फॉर्मूले में मैं सी की जगह सी सी डाल देता हूँ तो मेरा जाई क्या हो जाएगा वन, यही तो मैं बोला ऊपर। अगर मैं इन चीज़ को इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ क्या आ रहा है मेरा सी बाई सी सी इक्वल टू, क्या समझ में आता है यहाँ से, डैम्पिंग फैक्टर नथिंग बट द रेशियो ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट एंड क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो जो है आपका, डैम्पिंग रेशियो क्या है जाई थिंग बट रेशियो ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट और डैम्पिंग कोएफिशिएंट एंड क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट, दिस क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट में आ रही है ना सी बाय सी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? इससे आपके कई सारे क्वेश्चन जो हैं वाइब्रेशंस के पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको कवर करवा दिया। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे भेजिएगा। थैंक यू सो मच। इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस समथिंग ग्लोरियस, अन एकेडमी कॉम्बैट, कंपीट, क्रैक, कॉन्कर, अ चैलेंजिंग गेट कॉन्टेस्ट engineered to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with a test to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators, with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.